शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत शिवपाल यादव से। शिवपाल यादव, जी हां, शिवपाल यादव वो चेहरा जो समाजवादी पार्टी में जब तक थे मुलायम सिंह यादव तब तक उनका सम्मान होता था। आज ना मान हो रहा है ना सम्मान हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के हाथ में जब से पार्टी की कमान आई तब से शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने दरकिनार ही कर दिया। लेकिन शिवपाल यादव को लेकर ये खबर भी है कि क्या शिवपाल यादव का सफर भी अब यहीं तक रहेगा? क्या समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक इसलिए जुड़े रहे थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी के रैली कार्यक्रम में नजर आते थे, क्योंकि नेताजी की वजह से? और क्या अब नेताजी नहीं रहे तो क्या शिवपाल यादव भी अपना साथ छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी से? हालांकि बहुत पहले खबर इस तरह की सामने आने लगी थी कि बीजेपी के साथ अपनी नज़दीकियों को वो बढ़ा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने कदम को पीछे इसलिए हटा लिया क्योंकि नेताजी नहीं चाह रहे थे कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाए, क्योंकि शिवपाल यादव की जरूरत समाजवादी पार्टी को थी। शिवपाल यादव की कमी लग रही थी नेताजी को, और नेताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, और नेताजी जिस तरह से बीमार थे, नेताजी नहीं चल पाते थे, नहीं बोल पाते थे, तो वो चाहते थे परिवार का एक बड़ा मुखिया तो रहे शिवपाल के तौर पर, इसीलिए शिवपाल को उन्होंने अपने तक बांध कर रखा था। लेकिन नेताजी चले गए, अब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे? क्या जो प्रसपा उन्होंने बनाई है, प्रसपा हालांकि उनका पूरा रोल खत्म है उत्तर प्रदेश में प्रसपा का, और बीजेपी में जाने की पूरी तैयारियां थी एक वक्त में शिवपाल यादव की, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद न सिर्फ वहां पर अपनी एक नई शुरुआत करते नजर आएंगे, बल्कि अगर देखा जाए तो नेताजी के साथ का जो उनका सफर रहा था, उन तमाम सफर को याद करके शिवपाल यादव केवल भावुक हो रहे हैं और रो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।